These war memorials are a reminder कि हम जिस चीज़ को for granted लेते हैं उसको देने में कितने लोगों का खून पसीना, इतनी मेहनत, इतने sacrifices लगे हैं। रेड सॉइल भाई साहब, रेड सॉइल। मैंने मैं थॉट कि जो मैं ज्योग्राफी में पढ़ रहा हूँ ना, इतने साल पहले बकवास थी ज्योग्राफी, आई हेटेड ज्योग्राफी, मैंने रेड सॉइल पढ़ी थी, वो मुझे आज देखने को मिलेगी। लाइक आई वाज सो सरप्राइज, मैंने मुझे लगा लाल लाल पहाड़ क्या है। फिर जब थोड़ा सा आगे उसके पास पहुँचे तो जाना रियलाइज की ओ भाई, इसके बारे में पढ़ा है मैंने। तो क्या बात है, इतने सारे Oh my God! लेके 50 किलोमीटर से पहले एक छोटा सा जिला पड़ता है, इसका नाम है उपशी। यहाँ पे थोड़ा विल टेक अ फील ऑफ वार्म वेदर, सुबह से ठंड खा के हालत खराब हो गई थी, और इसके बाद विद इन आवर वील रीच ले। We are at Hall of Fame, Wars of Kargil, Siachen, China War and a lot of historical stuff. यहाँ पे हम बहुत कुछ जानेंगे आर्मी के बारे में, जो लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में। Ladakh is pass and Dakh is owner, so it basically means owner of pass is Ladakh. Now since you are at the top, you need proper gear and you need experience on how you can stay alive and fight at this, you know, high altitude. तो ये होती थी उनकी ड्रेस, उनके माथे पे लाइट लगी है, they are covered everywhere, there is ropes. And these shoes, spikes हैं, these are the gears that they used while fighting. जब इतनी ऊंचाई पे होते हैं तो ऑब्वियसली जैसे हम सबको दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन की और सांस लेने में, तो वो कैसे करते थे? लाइक इवन इफ दे आर इन एट यू नो सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे ऊंचाई पे है, ये रहा वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और यहाँ से वो पैर से पंप करते थे ऑक्सीजन, जो अंदर जाके सोल्जर्स को, हमारे जो फाइटर्स थे, सोल्जर्स थे, उनको ऑक्सीजन मिलता था, जिसके अंदर वो हमारे सोल्जर्स थे वो इसके अंदर रुकते थे। They would spend the night, they would sleep. These are Siachen soldiers eating out of air-dropped tin cans and braving the bone-chilling winds that can cause frostbite. Baap hai baap. Might seem like a boring and a cliched museum or something like that, but just goes to show how soldiers kept us safe even at the most extreme conditions. How they would protect themselves to protect us. Arif?
tell us, what did you see today? I saw. Hey, we can go there. We can also go there, but first tell me na. Humne kya dekha? Talk to mom. So after the Hall of Fame and War Memorial, we've just come to the main market of Leh, jahan pe gaadi allowed nahi hai. It's a straight walk like a mall road of Manali. Yahan pe dry fruits acche milte hain. Yahan pe thoda tourism kam hua hai is bar kyunki elections and of course the Pulwama attack. Because of these two reasons, tourism is a bit down in Ladakh. ले दरबार यहाँ का छोटा सा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो ले मेन मार्केट में है. बहुत सारे यहाँ पे कॉफ़ी हाउसेज हैं. एवरीवेयर देयर इज अ कैफे रेस्टोरेंट. लोगों को मतलब एकदम शांत है. लोग अपना आराम से चिल मार रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं. अ वेरी नाइस फीलिंग और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. ले बेरी जूस इज कॉल्ड सीबक बेरी जूस. यही यहाँ का लोकल फ्रूट है जिस कॉल्ड सीबक बेरी और इसको हिंदी में ले बेरी बोलते हैं. दो चार सौ के बाद इट इज़ नॉट दैट बैड. थोड़ा सा बस अजीब सा खट्टा सा है, अजीब सा खट्टा कड़वा सा है, बट इट ग्रोज ऑन यू. इट्स नॉट दैट बैड गाइस, ही इज वेरी प्रिटेंशियस. अच्छा अच्छा गुड. मेरी सिस्टर ने ट्राई करना ले बेरी जूस. सब मिलता है. अब इंडियन, थाई, चाइनीज, मैक्सिकन, कंटिनेंटल, नेपाली, इटालियन, वेज, याक चीज, मोमो, याक डेमो चीज, यही खाना है. ऑमलेट में डाल के बहुत अच्छा लगता है, मेल्ट हो जाता है. टेस्ट कराइए सर. सरचू में नॉट बॉम योर वीडियो चाहिए. पहले इसका पिज्जा खाऊंगा, देन आई विल डिसाइड कि ये मैं ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ. पश्मीना शॉल्स, पश्मीना जो वूल के जितने भी सामान हैं, शॉल्स, स्टोल, स्वेटर्स, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स. यहाँ का एप्रिकॉट इज क्वाइट फेमस एंड ले बेरी थोड़ा सा खट्टा होता है. इट्स क्वाइट डिफरेंट. पहला जो सिप लिया ना, झटका मार दिया. इसके बारे में बता रहे हैं कि जो गुरु नानक आए थे, उन्होंने यहाँ पे दातून से मंजन किया, उसी दातून को गाड़ दिया और उससे ये जो पेड़ है ये उग गया. तो उसके बगल में ये गुरुद्वारा बनाया हुआ है. हाँ कड़क है इसलिए बिस्किट. अब ये ब्रेड रोटी, रोटी बोलते हैं. बहुत टेस्टी है, हल्की से नमकीन है, मक्खन से बनी है. गर्मा गर्म खाने का मजा ही अलग है. वाह. पुराने घर है, इतनी बड़ी खिड़की, उतनी ज्यादा रिच फैमिली. तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है. और ये जो घर है ये सारे 400 साल 500 साल पुराने घर हैं सारे. पतली सी गली में ऊपर जाकर देयर इज दिस आर्ट गैलरी जो वाटर कलर से इन्होंने पूरे पोर्ट्रेट्स बना के रखे हुए हैं. तो दिस इज द स्टूडियो रन बाय दिस जेंटलमैन. आपका नाम सर? माय नेम इज चिमेतोर जी. चिमेतोर जी, सो ही इज अ जेंटलमैन हु रन्स द स्टूडियो एंड द आर्टिस्ट इज यू. श्री यूडोल. ओके. एंड सिरिन, शी इज द पर्सन बिहाइंड द आर्ट. जब यहाँ बर्फ गिर जाती है, दिस टनल गोज टू अदर हाउसेस व्हेन देयर इज एक्सट्रीम स्नोफॉल. लेट्स टेक अ क्विक वॉक थ्रू. देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल. राइट,
ये रहा ले पहले, यहाँ शायद लड़ाई हो रही है, कोई डांट रहा है किसी को। ये जो ले की जो सेंट्रल मार्केट है, इसमें पहले गाड़ियाँ और मोटर्स अलाउड थे, बट 2013-14 में तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि अब यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, और गैंगटॉक स्टाइल में आर्किटेक्चर पूरा से चेंज कर दिया। इट लुक्स सिमिलर टू द मार्केट इन गैंगटॉक, जिससे कि लोग यहाँ पे फ्रीली चल सकें और ट्रैफिक जैम ना हो। ऐसे बताऊं